देखिए, हमारे यहाँ जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, जितने भी व्यापारी हैं, वह अधिकांश ये करते हैं कि उसमें मिलावट कर देते हैं। मिलावट करने से जो खाने से लोग बीमार पड़ते हैं और उनकी परेशानियाँ होती हैं, इसलिए खाद्य पदार्थ जो भी हैं सबका जांच हो और सभी को चेतावनी दिया जाए, जो भी इस प्रकार से दूषित और मिलावटी सामान मिले उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनको दंड किया जाए, तभी जाके सुधार होगा। नहीं तो इस प्रकार से प्रदूषण, ये मिलावटी प्रदूषण देने से खाने से, और उसका एक तो अशुद्धि हो जाती है और दूसरे उनके शरीर के लिए हानिकारक पहुँचाया जाता है, और साथ साथ हमारे प्रदूषण चीज़ मिला करके और हमारे सनातन धर्म का विनाश करना चाहते हैं। इसलिए सारे देश के लोगों पर जो भी व्यापार, जिस प्रकार से समान खाद्य पदार्थ सब पर जांच हो और सब पर जितने भी ऐसे दूषित मिले उनको दंड दिया जाए। ऐसा करने से ही हमारे देश के जो अशुद्धि हैं, जो प्रदूषण फैलाने वाले हैं, वो दंड के भागी होंगे, उनके ऊपर दंड कराया जाए। और ऐसा करने से ही हम बच सकते हैं अपने शरीर से, अपने और जो हमारी पवित्रतम भावना है, हमारी सनातन भावना है, उससे हम उससे पवित्रता बनाए रखेंगे, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। और ऐसा न करने से जो भी बाला त्रिपति में और जो जहाँ भी हुआ है, तमाम जगह जांच हुई है, कई जगह इस तरह से दुर्घटनाएँ, इस तरह से मिलावटी मिला है जो अपवित्रता है, और जो पवित्र सनातन धर्म है उसकी सुरक्षा के लिए जाँच करना जरूरी है।